गुड मॉर्निंग। अपन देख रहे थे मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर फिफ्थ हो गया, पहले सिक्स था, अब ये चैप्टर नंबर फिफ्थ है। इसमें अपन ने देखा डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक्सेप्ट वायरस। इसके अलावा अपन ने देखा जो डीएनए होता है, डीएनए को अगर एक वर्ड में डिफाइन करें तो क्या, इट इज़ ए पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। डीएनए क्या है? एक आपका पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन है। अब देखो जो डीएनए है उसका जो फॉर्मेशन होता है वो न्यूक्लियोटाइड से होता है। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होंगे आपके, सॉरी, न्यूक्लियोटाइड में होंगे शुगर होगी, नाइट्रोजन बेस होंगे और इसके अलावा फॉस्फेट ग्रुप होगा। तो अब अपन देखते हैं नाइट्रोजन बेस, तो अपना डीएनए में ही है आपका न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस कितने टाइप के होंगे, कैसे क्या इसको क्लासिफाई किया, ये अपन डिटेल से देखेंगे। यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आपको एक क्वेश्चन मैं बताती हूँ कैसे क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन ये देखो, एनसीईआरटी में भी दे रखा है। इसमें ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन बेस आर न्यूक्लियोसाइड्स, क्वेश्चन है ग्रुप्स द फॉलोइंग एज नाइट्रोजन बेस एंड न्यूक्लियोसाइड्स, एडेनिन, साइटेडिन, थाइमीन, गवानीन, यूरेसिल एंड साइटोसिन। अब ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी जैसे अपन ये करेंगे इसके बाद करवाएंगे आपको। तो देखो नाइट्रोजन बेस क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, दे आर टू टाइप्स। कौन कौन से होंगे ध्यान से देखना। फर्स्ट कैटेगरी हो गई प्यूरीन, प्यूरीन्स, नाइट्रोजन बेस की फर्स्ट कैटेगरी होगी प्यूरीन्स, और दूसरी क्या हो जाएगी, पाइरिमिडीन। पाइरिमिडीन्स दो कैटेगरी हो गई। ये किस बेसिस पे क्या कर रखा है आपका, जो नाइट्रोजन बेस होते हैं उनकी दो कैटेगरी होगी, फर्स्ट होगा आपका प्यूरीन, सेकेंड होगा पिरामिडीन्स। अब अपन प्यूरीन्स में किसको रखेंगे, वो नाइट्रोजन बेस जिनमें दो रिंग होगी, टू रिंग आर प्रेजेंट। अब समझने वाली चीज है, टू रिंग्स आर प्रेजेंट, वन हेक्सागोनल होगी एंड वन कैसी होगी आपकी, पेंटागोनल होगी, ऐसी रिंग प्रेजेंट होगी। ये एक हेक्सागोनल हो गई और दूसरी कैसी होगी आपकी, पेंटागोनल होगी। तो टू रिंग आर प्रेजेंट, वन हेक्सागोनल एंड वन पेंटागोनल, ठीक है। इससे आप अच्छे समझ सकते हो, सॉरी, एक कैसी हो गई आपकी, हेक्सागोनल रिंग है, और दूसरी कैसी है आपकी, पेंटागोनल। यहां पे वन रिंग आर प्रेजेंट। अब देखो इसमें सिंगल हेक्सागोनल रिंग होगी, इसमें क्या होंगी आपकी, सिंगल हेक्सागोनल। तो जो नाइट्रोजन बेस होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लिक एसिड टू टाइप्स के होते हैं, डीएनए और आरएनए, तो दो टाइप के बेस प्रेजेंट होते हैं, प्यूरिन्स और पिरामिडिन। अब प्यूरिन में अपन कौन कौन से नाइट्रोजन बेस रखेंगे, देखो आप इसमें दो इंक्लूड होते हैं, एडेनिन और दूसरा है आपका गवानिन। एडिनिन को अपन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, गवानिन को आप अपना जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इधर तीन आते हैं आपके, इधर कौन कौन से आएंगे, साइटोसिन, साइटोसिन, साइटोसिन को सी से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर आ जाएगा थाइमीन, थाइमीन को अपन टी से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर आ जाएगा यूरेसिल, यूरेसिल को अपन यू से प्रेजेंट करेंगे। तो जो डीएनए और आरएनए होते हैं उसमें ये टाइप के नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होते हैं। फिर से देखो आप, जो नाइट्रोजन बेस होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स। प्यूरिन्स में क्या होगा, एक हेक्सागोनल रिंग है, एक पेंटागोनल रिंग है, जबकि पिरामिडिन्स में क्या होगा, सिंगल हेक्सागोनल रिंग प्रेजेंट होगी। जो प्यूरिन्स है उसमें एडिनिन और गवानिन नाइट्रोजन बेस आते हैं, जबकि पिरामिडिन्स में साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल नाइट्रोजन बेस को क्या कर रखा है आपका, इंक्लूड कर रखा है। तो
तो डीएनए और आरएनए में ये फाइव टाइप के नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होते हैं। डीएनए में भी चार नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होंगे, आरएनए में भी चार नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होंगे। अब देखो जो डीएनए है उसमें यूरेसिल नहीं होगा, ठीक है। डीएनए में क्या नहीं होगा आपका, यूरेसिल नहीं होगा। और जो आपका आरएनए उसमें क्या नहीं होगा आपका, थाइमीन नहीं होगा। तो अच्छा सा क्वेश्चन बनता है, जो आरएनए है उसमें थाइमीन की जगह कौन सा नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होता है, यूरेसिल। थाइमीन की जगह कौन सा नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होगा, यूरेसिल। तो इतने टाइप के नाइट्रोजन बेस हो गए। अभी जो मैंने क्वेश्चन बोला था आपको वो मैं लिखवाती हूँ बोर्ड पे, उसको देखना अपन कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है इसको देख लो आप। क्वेश्चन ये कह रहा है, ये बुक में नहीं दे रखा है, ध्यान से कर लेना इसको। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन ये एनसीईआरटी में दे रहा है। ग्रुप्स ऑफ ग्रुप द फॉलोइंग ग्रुप द फॉलोइंग एज नाइट्रोजन नाइट्रोजन बेसिस एंड न्यूक्लियोसाइड्स न्यूक्लियोसाइड्स कौन कौन है, एडिनिन, दूसरा है आपका साइटेडिन, तीसरा आपका है थाइमीन, तीसरा है थाइमीन, चौथा है गवानोसिन, गवानोसिन, अगला है यूरेसिल एंड साइटोसिन। अब ये क्वेश्चन आपसे ये डिमांड कर रहा है कि इसमें से नाइट्रोजन बेस कौन कौन से हैं, इसमें से आपको आइडेंटिफाई करने हैं नाइट्रोजन बेस। तो अपन ने अभी कहा था एडिनिन नाइट्रोजन बेस है, थायमीन नाइट्रोजन बेस है, यूरेसिल नाइट्रोजन बेस है और साइटोसिन नाइट्रोजन बेस है। ये नाम अभी जो मैंने टेबल बनाई थी उसमें कहीं ये दोनों नाम थे क्या, नहीं थे। तो इसमें नाइट्रोजन बेस कौन है, थाइमीन एडिनिन यूरेसिल साइटोसिन, और साइटेडिन और गवानोसिन क्या है, ये न्यूक्लियोसाइड्स है। जो अपन ने अभी करा नहीं, अपन उसको पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि व्हाट इज आर न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं। तो अब अपन देखेंगे न्यूक्लियोसाइड्स, तो बेसिक सी चीज़ है न्यूक्लियोसाइड। मैंने एक वर्ड में डिफाइन करा था कि डीएनए क्या है, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। तो अब न्यूक्लियोसाइड देखो, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, इसमें से न्यूक्लियोसाइड कौन है जो ये बचे ना आपके, साइटेडिन एंड गवानोसिन। न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन कैसा होता है देखो, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर दोनों मिलके क्या बनाएंगे आपके, न्यूक्लियोसाइड। नाइट्रोजन बेस और शुगर मिलके क्या बनाते हैं आपके, न्यूक्लियोसाइड्स। देखो एक एग्जांपल देखो, उससे ज़्यादा बेटर से समझ में आएगा। जैसे है अपन ने अपन एडेनिन जो नाइट्रोजन बेस है इसका फॉर्मूला ये होगा, ये एडेनिन हो गया, एडेनिन नाइट्रोजन बेस है। अब इसमें मैंने क्या कर दी, शुगर ऐड कर दी, कौन सी कर दी, राइबोज शुगर कर दी, ठीक है, राइबोज शुगर कर दो या डीऑक्सी राइबोज कर दो, एक ही बात है। शुगर में ये जो अपन यहाँ सफिक्स और परफिक्स लगाएंगे वो देखेंगे, यहाँ कौन सी है डीऑक्सी राइबोज, यहाँ कौन सी शुगर हो गई आपकी डीऑक्सी राइबोज।
तो इसका जो आपका न्यूक्लियोसाइड बनेगा उसका नाम क्या होगा? एडिनोसिन। क्या बनेगा इसका नाम? इसका नाम क्या बनेगा आपका? एडिनोसिन। तो जो न्यूक्लियोसाइड होता है उसके लास्ट में क्या लग जाता है आपका? सीन। अब सीन किस में लगेगा और डीन किस में लगेगा, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। जो आपके प्यूरिन्स वाले हैं जिनमें एक पेंटागोनल और एक हेक्सागोनल रिंग है, प्यूरिन्स के आगे सीन लगेगा, जैसे एडिनोसिन, गवानोसिन। और जो पिरामिडिन्स है उनके आगे लगेगा डीन, साइटेडीन, थाइमेडीन। ठीक है, ये ध्यान रखना आपका। तो जो प्यूरिन है उसके आगे क्या लग जाएगा आपका? सीन लग जाएगा अगर आप नाइट्रोजन सॉरी न्यूक्लियोसाइड बना रहे हो। और जो पिरामिडीन से उसके आगे क्या लग जाएगा आपका? डीन लग जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला बनाते हैं अपन गवानीन का। तो देखो गवानीन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन बेस कौन सा हो जाएगा आपका? गवानीन, गवानीन प्लस राइबोज शुगर और डिऑक्सी राइबोज शुगर। तो इसका क्या बन जाएगा? गवानो सीन। तो ये नाइट्रोजन बेस क्या हो जाएगा आपका? गवानो सीन हो गया। अब ये तो प्यूरीन के थे, अब पिरामिडीन्स के देखते हैं। तो पिरामिडीन का देखो, पिरामिडीन का कैसे बनेगा? पिरामिडीन का देखना आप, पिरामिडीन में आते हैं साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। तो मैंने कहा था पिरामिडीन के आगे डीन लग जाएगा। तो ये देखो आपका साइटो सीन नाइट्रोजन बेस ले लिया, प्लस राइबोज और डिऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, तो इसका जो नाम होगा वो क्या होगा? साइटेडीन। क्या हो जाएगा? साइटेडीन। अगला कौन सा है आपका? थाइमीन। थाइमीन प्लस, अब देखो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जो थाइमीन होता है वो आरएनए में नहीं होता, और जो यूरेसिल होता है वो डीएनए में नहीं होता। तो थाइमीन का जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा वो सिर्फ डीएनए का बनेगा, यूरेसिल का जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा वो सिर्फ आरएनए का बनेगा। तो थाइमीन प्लस मैं यहाँ क्या लिखूंगी, सिंप एक शुगर लिखूंगी, डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो जो थाइमीन का बनेगा वो क्या बनेगा? थाइमेडीन। इसका जो नाइट बनेगा आपका न्यूक्लियोसाइड वो क्या बनेगा? थाइमेडीन। तो यह इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो आरएनए होता है उसमें थाइमीन नाइट्रोजन बेस एब्सेंट होता है। तो कई बार क्वेश्चन बन सकता है बाउंसर क्वेश्चन कि जो न्यूक्लियोसाइड होगा या जो न्यूक्लियोटाइड होगा वो थाइमीन न्यूक्लियोटाइड किस में प्रजेंट होगा? थाइमेडीन। तो वो सिर्फ डीएनए में प्रजेंट होगा। लास्ट है यूरेसिल। यूरेसिल प्लस राइबोज शुगर। तो इसका क्या बने जाएगा आपका? यूरेडीन। ये यूरेसिल किस में प्रेजेंट होता है? आरएनए में, इसीलिए मैंने राइबोज शुगर लिए। तो जो आपका डीएनए होता है उसमें यूरेसिल नाइट्रोजन बेस एब्सेंट होगा सॉरी। इसके अलावा जो आपके आरएनए होता है उसमें थाइमीन नाइट्रोजन बेस एब्सेंट होगा। तो आरएनए का कभी भी थाइमेडीन नहीं बनेगा, और जो डीएनए उसका कभी भी यूरेडीन नहीं बनेगा। जो पिरामिडीन्स होते हैं उनके आगे डीन लगता है, और जो प्यूरिन्स होते हैं उनके आगे सीन लगता है। तो ये थे आपके नाइट्रोजन बेस 5 टाइप के थे। ठीक है, और इनसे अपन ने 5 टाइप के न्यूक्लियोसाइड्स बनाए। अब अगली क्लास में पढ़ेंगे अपन न्यूक्लियोटाइड्स। थैंक यू।